हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? तो आप सभी का ही हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ मैं, प्रीति मंडयाल। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, अभी का हमारा टॉपिक है मटेरियल ऑफ रिसर्च। ठीक है, तो जब कभी हम रिसर्च करते हैं, रिसर्च में कौन कौन से मटेरियल्स यूज होते हैं वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर एक तो लेंस आपको दिख रहा होगा, एक वो स्टैम्प वाली ब्लू मेरे पीछे बैकग्राउंड में दिख रही होगी। तो ऑल दीज थिंग्स ना, लाइक ब्योमकेश बख्शी वाला लेंस, रिसर्च करती हुआ कौन खूनी है हम ढूंढ निकालेंगे। जैसे जो का पार्ट स्पेसिफिकली ये फोटो यूज़ किया है, थोड़ा सा बींग अ क्रिएटिव पार्ट। सो दोस्तों, जैसे ये लेंस है, ये थप्पा है, ये पक्का हो गया, ये मोहर लग गई कि ये हमारी रिसर्च में डन है। लेंस जिससे हम चीज़ें ढूंढते हैं, तो आइए देखते हैं कि रिसर्च में हमारा कौन कौन सा मटेरियल यूज़ होता है। सो दोस्तों, रिसर्च में बेसिकली हमारे चार मटेरियल यूज़ होते हैं। एक है मैन्यूस्क्रिप्ट, एक है एडिशंस, और एक है पेपर, और एक है इंक। ठीक है तो ये सिर्फ चार शब्द हैं जो रिसर्च में यूज़ होते हैं, पर ये पूरे गागर में सागर हैं। ये हर एक पॉइंट बेसिकली पूरी एक एक कहानी लिखता है एक रिसर्च की। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट होता है ऐसी कोई भी चीज़ जो हाथ से लिखी गई है। ओके, तो जब कभी ना आप किसी भी चीज़ को लेकर रिसर्च करते हो, तो ऑब्वियसली उस दौरान आप काफ़ी सारी चीज़ें मैन्यूस्क्रिप्टेड भी लेते हो, हाथ की लिखी हुई पुरानी चीज़ें भी लेते हो। हाँ, मैन्यूस्क्रिप्ट हर जगह आपके काम आए ज़रूरी नहीं है। स्पेसिफिक अगर कुछ ऐसी बुक्स हैं जिस पे आप रिसर्च कर रही हो, जिनका मटेरियल मिलना ही किसी मैन्यूस्क्रिप्ट से है, वो हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लो मुझे कोई माइथोलॉजिकल बुक स्टडी करनी है, रामायण या महाभारत, तो उससे संबंधित बहुत सारी हाथ का लिखा हुआ मैन्यूस्क्रिप्ट बुक मुझे हेल्प कर सकता है। या कई बार मैन्यूस्क्रिप्ट में ना दोस्तों तो हाथ के लिखे हुए नॉर्मल नोट्स भी होते हैं। जैसे जब आप कोई रिसर्च शुरू करते हो, तो एकदम थोड़ी ना आप रिसर्च पे आ जाओगे, पहले आप उससे संबंधित बहुत सारी कुछ लिखित पढ़ित चीज़ें करोगे, कुछ डाटा इकट्ठा करोगे जो आपके हाथ का लिखा हुआ है या आपके किसी बड़ी ने हाथ से आपको लिख के दिया है, तो वो भी मैन्यूस्क्रिप्ट में आता है। ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट इज समथिंग जो टाइप्ड नहीं है, डैट इज समथिंग विच इज़ रिटन फ्रॉम हैंड। ये पुरानी कोई हाथ की लिखी हुई किताबें या डाटा भी हो सकता है, या खुद आपका अपने हाथ से लिखा हुआ बिगिन का मटेरियल हो सकता है, या आपके ही फ्रेंड सर्कल में से किसी ने आपको कुछ लिख के दिया है, वो भी हो सकता है। मतलब हाथ से लिखा हुआ होगा बस। उसके बाद नेक्स्ट आपके सामने है एडिशन। एडिशन में ना दोस्तों प्रॉपर जो टाइप्ड मटेरियल होता है ना, टाइप्ड बुक, कोई बुक कब आई, उसका ये एडिशन कब आया, वो आता है। मैन्यूस्क्रिप्ट में आपका हाथ से लिखा हुआ डाटा है, आपका अपना या किसी और का, और एडिशन में आपकी प्रॉपर फुल फ्लैश्ड बुक्स आती हैं, फुल फ्लैश्ड रिव्यूज़, जर्नल्स आते हैं, लिटरेचर आते हैं, जिनका पता है कि अच्छा ये इस साल आया था, इस साल आया था। तो ये बेसिकली प्रिंटेड मटेरियल है और ये बेसिकली हैंड रिटन मटेरियल है। उसके बाद बेटा ऑब्वियसली पेपर एंड इंक, लास्ट टू पर नॉट द लीस्ट टू। पेपर यानी कि कागज़ और इंक, ये तो आपको चाहिए ही। ठीक है, तो बेसिकली रिसर्च में ये चार चीज़ें यूज़ होती हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट, ऐसा डाटा जो हाथ का लिखा हुआ है आपका या किसी का जो आपकी रिसर्च में हेल्प करे, बुक्स, रिव्यूज़, जर्नल के एडिशन जो प्रॉपर प्रिंट आउट आए हैं आपके रिसर्च में हेल्प करें, पेपर यानी कि कागज़ वो तो आपको चाहिए, और इंक यानी कि इंक भी आपको चाहिए। तो मैन्यूस्क्रिप्ट डाटा जो लिखित आया, एडिशन जो प्रिंट आउट मटीरियल आया, और एंड में पेपर और इंक का साया चाहिए आपको मेरे भाया, ताकि आप अपनी रिसर्च पूरी कर सकें। तो ये बहुत शॉर्ट सा है, रिसर्च में चार चीज़ें चाहिए, मैन्यूस्क्रिप्ट, हाथ से लिखित मटेरियल आपका या किसी और का जो आपके रिसर्च में हेल्प करे, एडिशंस, प्रिंट आउट मटेरियल, बुक्स, जर्नल रिव्यू जो आपका या किसी और का या आपके रिसर्च में हेल्प करे, एंड लास्ट पेपर एंड इंक। ठीक है, तो बस इसमें इतना ही है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है, समझ आ गया है और दिमाग में बैठ गया है। तो आने वाले लेक्चर में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट टूल्स ऑफ रिसर्च। तो हमने अभी देखा कि मटेरियल क्या रिसर्च में यूज़ होते हैं, और अब हम देखेंगे टूल्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च में टूल्स कौन से यूज़ होते हैं। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग, टेक केयर।